कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अंकलैक्स बेस्ड क्वेश्चंस का एक 1000 टोटल क्वेश्चंस का एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें आज का हमारा 17th एपिसोड है, 17th सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम एंड में छोड़ा था कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो अभी हम इसको सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ये क्लाइंट इज़ एडमिटेड टू द लेबर एंड डिलीवरी यूनिट कंप्लेनिंग ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग विद वेरी लिटिल डिस्कम्फर्ट। द नर्स फर्स्ट एक्शन शुड बी टू, एक पेशेंट है लेबर और डिलीवरी यूनिट में एडमिट हुआ है, कंप्लेन कर रहा है वेजाइनल ब्लीडिंग की विद वेरी लिटिल डिस्कम्फर्ट, यानी थोड़े से डिस्कम्फर्ट के साथ में उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। द नर्स फर्स्ट एक्शन शुड बी, नर्स का फर्स्ट एक्शन इनमें से क्या होगा ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में असेस द फीटल हार्ट टोन, सेकेंड इज चेक फॉर सर्वाइकल डायलेशन, थर्ड इज चेक फॉर फर्मनेस ऑफ द यूटरस, एंड लास्ट वन इज ऑब्टेन ए डिटेल्ड हिस्ट्री। देखिए, जब भी पेशेंट को लिटिल डिस्कम्फर्ट के साथ में पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग अगर हो रही है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग अगर हो रही है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया है। प्लेसेंटा प्रीविया, यहाँ पे बात की गई है वेजाइनल ब्लीडिंग विद वेरी लिटिल डिस्कम्फर्ट। वेरी लिटिल मतलब लगभग पेनलेस है। तो जब भी पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग पेशेंट पे हमें देखने को मिल रही है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। और जब भी अगर इस तरह की ब्लीडिंग या कुछ भी अगर यूट्रस के अंदर हो रहा है, तो उसमें हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि फीटस की फीटल हार्ट रेट को चेक करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है जो ये सही होगा, असेस द फीटल हार्ट टोन। ठीक है, तो जब भी इस तरह से कुछ भी हो रहा है, यानी कि कोई पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है या यूट्रस के अंदर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, पेशेंट कोई कंप्लेन कर रहा है, तो हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे रहेगी पेशेंट के अंदर जो फीटस है उसकी फीटल हार्ट रेट को चेक करना। तो दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है चेक फॉर सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन के लिए हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सर्वाइकल डायलेशन के लिए जो चेक करते हैं वो हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू करते हैं। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन यानी कि वेजाइना के अंदर फिंगर इंट्रोड्यूस कराते हैं और उससे फिर पता लगाते हैं कि सर्विक्स डायलेटेड है या नहीं। तो जो प्लेसेंटा प्रीविया है, हमें कैसे पता लग रहा है प्लेसेंटा प्रीविया, क्योंकि पेशेंट को पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग है तो प्लेसेंटा प्रीविया है। और अगर जब पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया है, तो हम उसमें पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया में पर वेजाइनल एग्जामिनेशन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। प्लेसेंटा प्रीविया में पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, इसलिए बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, इसको ये आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है चेक फॉर फर्मनेस ऑफ द यूटरस। हाँ, यूटरस की फर्मनेस के लिए हम हमेशा रेगुलरली जब तक पेशेंट हमारे पास में एडमिट है लेबर और डिलीवरी यूनिट में, तब तक हम करते रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे फर्स्ट एक्शन पूछा गया है, नर्स फर्स्ट एक्शन क्या होगा अगर पेशेंट को वेजाइनल ब्लीडिंग और लिटिल डिस्कम्फर्ट के साथ में है। तो यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी कि यूटरस की फर्मनेस को चेक करना। और लास्ट ऑप्शन है ऑब्टेन डिटेल हिस्ट्री। डिटेल हिस्ट्री हम हर पेशेंट का लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे पेशेंट के अंदर जो प्रोडक्ट है यानी कि जो फीटस है, उसका फीटल हार्ट टोन हम यहाँ सबसे पहले मेजर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन होगा। अगर किसी पेशेंट को वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है या पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब है कि प्लेसेंटा प्रीविया है। प्लेसेंटा प्रीविया में हम सर्वाइक्स डायलेशन के लिए या सर्वाइकल डायलेशन के लिए चेक नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह से पर वेजाइनल एग्जामिनेशन जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया वाले पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। यहाँ पे बात की जाए अगर प्लेसेंटा प्रीविया की, तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब है इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। अगर प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में इम्प्लांट हो रहा है, तो उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया में पेशेंट को हेड एलिवेटेड पोजिशन देते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया में पेशेंट को हेड एलिवेटेड पोजीशन देते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया में पर वेजाइनल ब्लीडिंग होती रहती है पेनलेस। और अगर पेशेंट को हेड एलिवेटेड पोजीशन हम देंगे, तो जो ब्लीडिंग हो रही है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो प्लेसेंटा है, और वहाँ पे ब्लीडिंग अगर हो रही है, हेड एलिवेटेड पोजीशन दी हुई है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को अगर हेड एलिवेटेड या रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन अगर हम देंगे, तो जो ब्लीडिंग है वो अंदर यूट्रस के अंदर वाली साइड में ही इकट्ठा नहीं होगी, बाहर आ जाएगी वेजाइना के थ्रू। अगर हम रिवर्स ट्रेंडलबर्ग या हेड एलिवेटेड पोजीशन पेशेंट को देंगे, तो जो ब्लीडिंग पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग जो या जो प्लेसेंटा प्रीविया के कारण जो ब्लीडिंग हो रही है, वो ब्लड जो है वो अंदर यूट्रस में इकट्ठा नहीं होगा, वो ब्लड बाहर आ जाएगा और हमें दिखाई देगा। और अगर हमें दिखाई देगा, तो हम उस चीज़ का मैनेजमेंट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पेनलेस है तो पेशेंट को पता भी नहीं लगेगा कि ब्लीडिंग हो रही है नहीं, अगर अंदर इकट्ठा हो गया तो। और जब बाहर निकलेगा ब्लड वेजाइना के थ्रू, तो हमें इसका मैनेजमेंट करने में आसानी होगी और हम इसका मैनेजमेंट आगे कर पाएंगे।
इसलिए हम पेशेंट को हेड एलिवेटेड या रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन प्लेसेंटा प्रीविया में देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक क्लाइंट टेलीफोन द इमरजेंसी रूम स्टेटिंग दैट सी थिंक दैट सी इज इन लेबर, द नर्स शुड टेल द क्लाइंट दैट लेबर हैज़ प्रोबेबली बिगिन वैन। यानी कि आपके पास में इमरजेंसी रूम में कॉल आया है, एक पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको लग रहा है कि उसका लेबर है स्टार्ट होने वाला है अभी, द नर्स शुड टेल द क्लाइंट दैट लेबर हैज़ प्रोबेबली बिगिन। नर्स क्या बताएगी कि आपका लेबर कब स्टार्ट होगा? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, हर कॉन्ट्रैक्शन आर 2 मिनट अपार्ट, यानी कि उसके यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हर 2 मिनट में हो रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है, सी हैज़ ए बैक पेन एंड ब्लडी डिस्चार्ज, यानी कि जब उसको बैक पेन होगा या ब्लडी डिस्चार्ज होगा तब उसका लेबर स्टार्ट होगा। या तीसरा है, सी एक्सपीरियंस एब्डोमिनल पेन एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जब उसका एब्डोमिनल पेन होगा और बार बार यूरिन पास आउट करने की समस्या होगी तब पेशेंट को लेबर पेन स्टार्ट होगा। या हर कॉन्ट्रैक्शन आर 5 मिनट्स अपार्ट, या जब उसके कॉन्ट्रैक्शन है यूट्रस के वो हर 5 मिनट में होने वाले हैं तब होगा। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जब हर कॉन्ट्रैक्शन आर 2 मिनट्स अपार्ट, यानी कि जब यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन हर 2 मिनट में हो रहे हैं तो उसका हम बोल रहे हैं जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है। लेबर की 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज की अगर यहाँ पे बात की जाए तो फर्स्ट स्टेज में 3 स्टेजेज होती हैं, लेटेंट, दूसरी होती है एक्टिव और तीसरी होती है ट्रांजिशन। लेबर की फर्स्ट स्टेज की 3 स्टेजेज होती हैं, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन। तो जो ट्रांजिशन फेज है उसमें इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन वो हर 2 से 3 मिनट में रिपीट होते हैं, यानी कि हर 2 या 3 मिनट में एक कॉन्ट्रैक्शन होगा। और एक्टिव फेज में हर 5 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन होगा और लेटेंट फेज में 15 से 30 मिनट में एक बार ही कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस का। यानी कि लेटेंट फेज में 15 से 30 मिनट में एक बार यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्टिव फेज में 5 मिनट का होगा, ट्रांजिशन फेज में 2 से 3 मिनट का होगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया हर कॉन्ट्रैक्शन आर 2 मिनट अपार्ट, यानी कि 2 से 3 मिनट ट्रांजिशन फेज में हो रहे हैं। तो जब पेशेंट ट्रांजिशन फेज में है तब हम उसको लेबर में आने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर 2 से 2 मिनट में ही अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट का जो स्टेज है वो ट्रांजिशन फेज में पहुंच चुका है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि ये तो लेबर काफ़ी एडवांस हो चुका है और लेबर स्टार्ट कब होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा ऑप्शन है, सी हैज़ बैक पेन एंड ब्लडी डिस्चार्ज और बैक पेन, ये भी लेबर स्टार्ट होने का कोई साइन नहीं है, क्योंकि बैक पेन जो है वो और दूसरी कोई प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। और ब्लडी डिस्चार्ज यहाँ पे जो आपकी बात की जा रही है, ब्लडी डिस्चार्ज प्लेसेंटा प्रीविया के कारण भी हो सकता है या एब्रप्टिव प्लेसेंटा के कारण भी हो सकता है। प्रीमेच्योर सेपरेशन अगर प्लेसेंटा का हो रहा है तो उसको हम एब्रप्टिव प्लेसेंटा बोलते हैं और उसकी वजह से भी यहाँ पे ब्लडी डिस्चार्ज हमें देखने को मिल सकता है। तो ये कोई लेबर स्टार्ट होने का साइन यहाँ पे नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है, सी एक्सपीरियंस एब्डोमिनल पेन एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अगर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है और बार बार यूरिन पास आउट कर रहा है तो ये किसी यूरिनरी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है ये भी आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ये भी कोई एक लेबर स्टार्ट होने का, लेबर प्रोग्रेस का, लेबर बिगिन होने का कोई भी एक साइन नहीं है। लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया, हर कॉन्ट्रैक्शन आर 5 मिनट अपार्ट, यानी कि जब उसके कॉन्ट्रैक्शन लगभग 5 मिनट में हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट लेबर की फर्स्ट स्टेज की एक्टिव फेज में है, और जब फर्स्ट स्टेज की एक्टिव फेज में है तो उसको जो कॉन्ट्रैक्शन है यूट्रस के वो हर 5 मिनट में लगभग एक बार ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लगभग 30 से 60 सेकंड तक रहेगा। और अगर हर 5 मिनट में पेशेंट को यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट में लेबर स्टार्ट होने वाला है और पेशेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ प्रीनेटल क्लाइंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग ऑन फेटल डेवलपमेंट। एक पेशेंट मतलब नर्स है वो एक ग्रुप को टीच करा रही है या सिखा रही है कि प्रीनेटल एग्जामिनेशन में या प्रीनेटल टाइम में अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो उसके फीटस के डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट आता है। विच करेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद बेबी इज बॉर्न टू मदर हु स्मोकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनमें से कौन सा फीचर किसी पेशेंट के बेबी में देखने को मिलेगा जो मदर प्रेगनेंसी के टाइम में स्मोकिंग करती थी, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए जब मदर सिगरेट स्मोकिंग करती है तो उसके बच्चे में कुछ ना कुछ डिफेक्ट देखने को मिलता है, तो क्या देखने को मिलता है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया लो बर्थ वेट, क्या अगर कोई मदर सिगरेट स्मोकिंग करती है प्रेगनेंसी के टाइम में तो क्या उसके बच्चे में लो बर्थ वेट देखने को मिलेगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो जब कोई मदर अगर सिगरेट स्मोकिंग कर रही है तो उसके बेबी में हमें लो बर्थ वेट देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे, क्योंकि जो
सिगरेट स्मोकिंग की वजह से बच्चे का जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट नहीं होगा तो वहाँ पे बेबी का जो वेट है वो कम रहेगा और यहाँ पे लो बर्थ वेट पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए आपका जो यहाँ पे सही होगा। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज का मतलब होगा कि मान लीजिए 38 वीक से 42 वीक के बीच में जो टर्म डिलीवरी होती है उसके उस साइज में, उस टाइम ड्यूरेशन में जो नॉर्मल बेबी होता है उससे भी बड़ा बेबी के आपको देखने को मिलेगा अगर मदर उसकी सिगरेट स्मोकिंग करती है तो। नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि जो बेबी है वो लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज नहीं, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। दूसरा है प्रीटर्म बर्थ बट अप्रोप्रिएट साइज फॉर गेस्टेशन। जो मगर मदर सिगरेट स्मोकिंग कर रही है उसके बच्चे में उसको प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, प्रीटर्म बर्थ हो सकता है बट अप्रोप्रिएट साइज फॉर गेस्टेशन ये उसका आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि जो बेबी है उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बॉडी फिजिक जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी हम एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि इस ऑप्शन में दोनों बातें जो है वो अलग अलग है। ये वाला पोर्शन है जो सही है लेकिन ये वाला पोर्शन जो है वो ये गलत है, इसलिए प्रीटर्म बर्थ देखने को मिल सकता है बट उसके साथ साथ में अप्रोप्रिएट साइज बेबी का जो बॉडी फिजिक है वो एक नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी की तरह दिख नहीं सकता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। और लास्ट ऑप्शन दिया गया ग्रोथ रिटार्डेशन इन वेट एंड लेंथ। ग्रोथ रिटार्डेशन जो है वो वेट में देखने को मिल सकती है लेकिन लेंथ में कोई भी ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को, क्योंकि जो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से बेबी में ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है यानी कि जो बॉडी का वेट है वो कम हो सकता है, दूसरे कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, उसके वेट में कमी हो सकती है लेकिन लेंथ पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए आपका ये जो ऑप्शन है लास्ट वाले ऑप्शन का ये वाला पार्ट जो है यहाँ तक जो पार्ट है ये सही है लेकिन इसके साथ में लेंथ की भी बात की जा रही तो लेंथ पर बेबी की लेंथ पर सिगरेट स्मोकिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत होगा। और ए ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सही होगा क्योंकि जो सिगरेट स्मोकिंग मदर है उसमें के बेबी में लो बर्थ वेट देखने को मिलेगा, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज नहीं, हमें शॉर्ट फॉर या स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज देखने को मिलेगा, प्रीटर्म बर्थ हो सकता है लेकिन अप्रोप्रिएट साइज फॉर गेस्टेशन नहीं देखने को मिलेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है लेकिन लेंथ में कोई भी ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं होगा क्योंकि लेंथ जो है वो नॉर्मल ही रहेगी, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द फिजिशियन परफॉर्म एन एमनियोटॉमी द नर्स फर्स्ट एक्शन शुड बी टू असेस द। एक फिजिशियन ने पेशेंट पे एमनियोटॉमी परफॉर्म किया तो नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए सबसे पहले बात की जाए एमनियोटॉमी की तो एमनियोटॉमी क्या होता है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कौन सी, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एमनियोन मेम्ब्रेन का या एमनियोटिक मेम्ब्रेन का रप्चर जो हम करते हैं उसको हम बोलते हैं एमनियोटॉमी। तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन का रप्चर को बोलने को करने को बोल रहे हैं हम एमनियोटॉमी। एमनियोटिक मेम्ब्रेन का रप्चर हम करते हैं किससे, क्रोचेट हुक की हेल्प से। क्रोचेट हुक एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी हेल्प से एमनियोटिक मेम्ब्रेन का रप्चर किया जाता है। क्रोचेट हुक का शेप जो है वो लगभग इस तरह का रहता है, ये यहाँ पे एक हुक होता है, हुक शेप का बोल होता है इसलिए इसको हम क्रोचेट हुक बोलते हैं और इससे पंक्चर किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया जब हम एमनियोटॉमी कर रहे हैं तो उसमें क्या फर्स्ट एक्शन क्या होगा नर्स का। देखिए जब हम एमनियोटॉमी करते हैं तो एमनियोटॉमी में जो फ्लूड लीकेज हो रहा है, फ्लूड कौन सा निकलेगा यहाँ से, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर होगी, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो जो एमनियोटिक फ्लूड है वो बाहर निकलेगा। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूड का स्ट्रो कलर होता है, स्ट्रो क्लियर कलर होता है और जब एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर होने से एमनियोटिक फ्लूड बाहर निकलेगा तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पावर जो है वो बढ़ेगी और यूट्रस में जब कॉन्ट्रैक्शन पावर बढ़ेगी तो सबसे पहले जब भी कॉन्ट्रैक्शन पावर बढ़ रही है तो हमें सबसे पहले फीटस का हार्ट टोन या फीटस के फीटल हार्ट रेट को चेक करने की ज़रूरत है, इसलिए जो ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन सही यहाँ पे होगा। क्योंकि अगर अंदर यूट्रस में कुछ भी हो रहा है, आप एबनॉर्मल ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही है, यूट्रस में टोन देखने को मिल रही है ज़्यादा, या यूट्रस अनरेस्पॉन्सिव दिख रहा है, या कोई भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं, एमनियोटॉमी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी कि जो बेबी या जो फीटस अंदर है हमें सबसे पहले उसकी फीटस हार्ट रेट चेक करेंगे। तो यह ऑप्शन यहाँ पे गलत सही होगा, आपका गलत होगा फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि डिग्री ऑफ सर्वाइकल डायलेशन जो है वो आप एमनियोटिक मेम्ब्रेन या एमनियोटॉमी करने से करते टाइम नहीं देखेंगे, डिग्री ऑफ सर्वाइकल डायलेशन जो है वो एमनियोटॉमी करने से पहले देखेंगे। दूसरा तीसरा था क्लाइंट्स वाइटल साइन, क्लाइंट के वाइटल साइन हम चेक करेंगे लेकिन ये यहाँ पे फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको या फर्स्ट एक्शन नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। क्लाइंट्स लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट, यहाँ पे सीधी सी बात है पेशेंट जब लेबर में है तो उसको डिस्कम्फर्ट होगा, यहाँ पे लेवल असेस करने की जरूरत नहीं है और अगर करेंगे तो भी ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे हमारा होगा कि फीटस की हार्ट रेट या हार्ट टोन जो है उसको चेक करना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द लेबर एंड डिलीवरी यूनिट, द नर्स परफॉर्म ए वेजाइनल एग्जामिनेशन एंड डिटरमाइन दैट द क्लाइंट सर्विक्स इज 5 सेंटीमीटर डायलेटेड विद 75% स्पेसमेंट। बेस्ड ऑन द नर्सेस असेसमेंट द क्लाइंट इज इन विच फेज ऑफ द लेबर। देखिए एक पेशेंट है जो लेबर और डिलीवरी यूनिट में एडमिट है, नर्स ने वेजाइनल एग्जामिनेशन किया है और वेजाइनल एग्जामिनेशन से उसको पता लग रहा है कि उसका जो पेशेंट का जो है उसका सर्विक्स जो डायलेशन है वो 5 सेंटीमीटर का हो चुका है और 75% उसके सर्विक्स का इफेसमेंट हो चुका है। तो 5 सेंटीमीटर डायलेशन और 75% इफेसमेंट से नर्स क्या असेसमेंट कर रही है कि जो पेशेंट है वो किस फेज ऑफ लेबर में है। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि लेबर की नॉर्मली 4 स्टेजेज होती हैं और फर्स्ट स्टेज जो है उसमें 3 फेजेज हमें देखने को मिलती है। लेबर की फर्स्ट स्टेज में 3 फेजेज होती हैं, लेटेंट, दूसरी होती है एक्टिव और तीसरी होती है ट्रांजिशन। लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन, एक्टिव, लेटेंट और ट्रांजिशन। अर्ली जो है इसी को हम एक्टिव, अर्ली फेज जो है इसी को हम लेटेंट फेज भी बोलते हैं, लेटेंट। तो लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन, ये 3 फेजें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे बात हो रही 5 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन। लेटेंट फेज जो है उसमें 1-3 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन होता है। एक्टिव फेज में यहाँ पे अगर हम लिख दें, लेटेंट में 1-3 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन होता है, एक्टिव फेज में 4-7 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन होता है और ट्रांजिशन में 8-10 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन होता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है पेशेंट का सर्विक्स डायलेशन 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है मतलब 4-7 के बीच में है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्योंकि पेशेंट जो है वो एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में है, फर्स्ट स्टेज की एक्टिव फेज ऑफ लेबर में है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। अगर 1-3 सेंटीमीटर डायलेशन होता तो लेटेंट फेज में हो सकता था और अगर 8-10 सेंटीमीटर डायलेशन होता तो पेशेंट ट्रांजिशन फेज में होता, इसलिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे और अर्ली फेज को ही हम लेटेंट फेज बोलते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे बात की गई है 75% इफेसमेंट की, तो अगर इफेसमेंट की भी बात करें हम तो इफेसमेंट का मतलब होता है टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, यानी कि जो सर्विक्स है वो छोटा होता जाएगा, तो उसको हम बोल रहे हैं शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स। जो सर्विक्स का शॉर्टनिंग है उसको हम परसेंट में, या इफेसमेंट को हम हमेशा परसेंट में काउंट करते हैं और सर्विक्स डायलेशन को हम हमेशा सेंटीमीटर में काउंट करते हैं। यहाँ पे 75% इफेसमेंट है, यानी कि जैसे जैसे सर्विक्स का डायलेशन होता जाएगा वैसे वैसे इफेसमेंट का प्रोग्रेस होता है। जब सर्विक्स का डायलेशन होता बढ़ेगा ऐसे ही इफेसमेंट का परसेंट भी बढ़ेगा। मान लीजिए 7 सेंटीमीटर डायलेशन हुआ तो 85% इफेसमेंट हो गया, 6% हुआ तो 80% इफेसमेंट हो गया, ऐसे ऐसे जब भी सर्विस का डायलेशन बढ़ता जाएगा तो इफेसमेंट का भी प्रोग्रेस होता जाएगा और इफेसमेंट को परसेंट में काउंट करते हैं, डायलेशन को हमें हमेशा सेंटीमीटर में काउंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक क्लाइंट इलेक्ट टू हैव एन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट ऑफ द लेबर, यानी कि एक पेशेंट है उसको डिस्कम्फर्ट ऑफ लेबर है उसको कम करने के लिए पेशेंट को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं। फॉलोइंग द इनिशिएशन ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया द नर्स शुड गिव प्रायोरिटी टू, यानी कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने के बाद में नर्स का फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। देखिए चेकिंग फॉर सर्वाइकल डायलेशन, जब हम पेशेंट को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं इसका मतलब है कि पेशेंट का सर्विक्स तो डायलेटेड है, यानी कि पेशेंट लेबर की यूनिट में तो है, और जब लेबर की यूनिट में है सर्विक्स का डायलेशन है तो हम वो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के देने के बाद में सर्विक्स डायलेशन चेक नहीं करते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने से पहले सर्वाइकल डायलेशन चेक करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगने के बाद में आप क्या करेंगे, तो हम उसके बाद में सर्विक्स का डायलेशन चेक नहीं करेंगे, हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने से पहले सर्विक्स का डायलेशन चेक करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा है प्लेसिंग द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन, हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वाले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन भी नहीं देंगे क्योंकि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के टाइम पे जो पेशेंट को मेडिकेशन दी गई है और उसकी वजह से अगर हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दे देंगे तो जो एनेस्थेटिक मेडिकेशन है वो पेशेंट के सुपाइन पोजीशन देने की वजह से उसके ब्रेन वाले सेंटर में पहुंच जाएगी और ब्रेन में पहुंचने से वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकती है, इसलिए हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वाले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन नहीं देंगे। तीसरा है चेकिंग द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर, हाँ ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा क्योंकि जब भी हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो हमें लगभग 15 मिनट तक, जब हम पेशेंट को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो लगभग 15 मिनट तक हर 5 मिनट में पेशेंट के बीपी को चेक करना है, यानी कि अभी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया तो अगले 15 मिनट तक, यानी कि हर 5 मिनट में या अगले 15 मिनट में 3 बारी, एटलीस्ट 5 मिनट्स वंस, 5 मिनट में एक बार पेशेंट का बीपी चेक करना है लगभग अगले 15 मिनट तक, क्योंकि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की वजह से पेशेंट को हाइपोटेंशन
या शॉक डेवलप हो सकता है। इसीलिए हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वाले पेशेंट में हर 5 मिनट में उसका बीपी चेक करेंगे और चेकिंग द ब्लड प्रेशर यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी होगी, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। लास्ट ऑप्शन दिया गया ऑब्टेनिंग ए फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी की अगर बात की गई है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हम हमेशा यहाँ पे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वाले पेशेंट में क्लाइंट बीपी को देंगे, फीटल हार्ट रेट को हम यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं देंगे, क्योंकि एपिडोरल एनेस्थीसिया की वजह से पेशेंट में शॉक डेवलप होगा या हाइपोटेंशन डेवलप होगा, और उसकी वजह से अगर हम पेशेंट का बीपी चेक करते रहेंगे जल्दी जल्दी, तो इसका मतलब है कि हम असेसमेंट उसके बीपी का कर पा रहे हैं, उससे हम पता लगा पाएंगे कि पेशेंट शॉक में या हाइपोटेंशन में जाने के चांसेस है या नहीं है। तो ये ऑप्शन सी है जो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट वे टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन इन द सर्जिकल क्लाइंट इज, यानी कि एक सर्जरी वाला पोस्ट सर्जरी पेशेंट है आपके पास में, उसके वुंड का इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करने के लिए आपका सबसे बेस्ट एक्शन क्या होगा या सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है पेशेंट के सर्जिकल साइट को इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन आपको तो दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ए प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक। क्या अगर किसी पेशेंट में इन्फेक्शन को बचाना है तो हम उसको एंटीबायोटिक मेडिकेशंस देते हैं? नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है प्रिवेंट करने की। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है तो हम एंटीबायोटिक मेडिकेशन देते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिकेशन नहीं देते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत होगा। तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है वियर ए मास्क व्हेन प्रोवाइडिंग केयर। जब हम पेशेंट को मास्क सॉरी नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्जिकल साइट केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम वहाँ पर मास्क पहनेंगे, ये एक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का स्ट्रेटेजी हमारा है या और एक गुड एटिक्वेट्स भी है या गुड एक हैबिट भी है। लास्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है आस्क द क्लाइंट टू कवर हर माउथ व्हेन सी कफ, यानी कि जब पेशेंट कफिंग कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि आप अपने माउथ को कवर कर लीजिए ताकि जो वुंड का इन्फेक्शन है वो नहीं हो सके। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं सी और डी, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं कि मास्क पहनने की एडवाइस दे रहे हैं। तो मास्क पहनना एक गुड एटिक्वेट्स हो सकता है लेकिन ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करता है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। इसके अलावा और भी कोई मीडियम है जिनकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, तो एंटीबायोटिक मेडिकेशन का हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक मेडिकेशन का यूज़ जो है वो ट्रीटमेंट इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ में किया जाता है, ना कि उसको प्रिवेंट करने के लिए। और वियर मास्क और माउथ को कवर करना ये दोनों ही एक गुड एटिक्वेट्स में आते हैं, हम पेशेंट को बोलेंगे ये एडवाइजेबल है पेशेंट को, ऐसा पेशेंट फॉलो कर सकता है, लेकिन ये बेस्ट वे टू ट्रीट टू बेस्ट वे टू प्रिवेंट द पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन नहीं है। अगर बेस्ट वे की बात की जाए तो बेस्ट वे जो ऑप्शन है उसका मतलब हो गया कि वॉश हर हैंड फॉर 2 मिनट्स बिफोर केयर। आप बेस्ट वे अगर प्रिवेंट है प्रिवेंट करने का इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का अगर कोई बेस्ट वे है तो सबसे अच्छा है हैंड वॉशिंग, और हैंड वॉशिंग हम कब करेंगे जब पेशेंट को हम कोई भी केयर देने जा रहे हैं तो उससे 2 मिनट पहले हम हैंड वॉश करेंगे। वॉश हर हैंड फॉर 2 मिनट्स बिफोर केयर, हम केयर करने से पहले 2 मिनट्स तक हैंड वॉश करेंगे, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका ये यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एल्डरली क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम, विच सिम्टम इज द क्लाइंट विद ए फ्रैक्चर्ड हिप मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट। यानी कि कोई भी एक पेशेंट है इमरजेंसी रूम में एडमिट है तो इनमें से कौन सा सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलेगा अगर उसका फ्रैक्चर्ड ऑफ हिप हो रखा है, तो उसका हिप फ्रैक्चर है तो इनमें से कौन सा सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपको पेन, दूसरा डिसअलाइनमेंट, तीसरा कूल एक्सट्रीमिटी, चौथा एब्सेंस ऑफ पेडल पल्स। देखिए पेन जो है वो हर फ्रैक्चर वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है कि अगर हिप फ्रैक्चर है तो ही पेन देखने को मिलेगा। पेन अगर सर्वाइकल का फ्रैक्चर है, टीबिया फिबुला का फ्रैक्चर है, पटेला का है, नेक का है, नोज का है, कहीं का भी अगर फ्रैक्चर है तो वहाँ पे पेन देखने को मिलेगा। अगर हिप फ्रैक्चर की बात की जाए तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिप फ्रैक्चर में ही पेन देखने को मिलेगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। कूल एक्सट्रीमिटी की अगर बात की जाए तो कूल एक्सट्रीमिटी कहाँ पे देखने को मिलेगी, मान लीजिए लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की यहाँ पे बात करें, अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड की सप्लाई नहीं है तो वहाँ के जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से जो एक्सट्रीमिटीज़ है हमारी वो कूल हो जाएगी। ये कब देखने को मिलता है, जब पेरीफेरल वास्कुलर डिजीज़ पेशेंट में हो, यानी कि पेशेंट में कोई ब्लड वेसल्स की डिजीज़ है तो वहाँ पर कूल एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलती है, ना कि फ्रैक्चर में देखने को मिलती है। लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया एब्सेंस ऑफ पेडल पल्स, अगर पेडल पल्स एब्सेंस है तो ये जो सिम्टम है वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम का सिम्टम है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में हमें पेडल पल्स एब्सेंस देखने को मिलेगी, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपका सही नहीं होगा। कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है वो
उसमें पैडल पल्स देखने को मिलती है, पैडल पल्स एब्सेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा पैरेस्थीसिया भी देखने को मिलता है, पल्सलेसनेस भी देखने को मिलता है, पल्सलेसनेस पैरेस्थीसिया ये सब देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए हिप फ्रैक्चर की, तो जब भी फ्रैक्चर हिप वो फ्रैक्चर होगा तो वहाँ पे हमें डिसअलाइनमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि जो बोन का नॉर्मल अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाएगा, उसको हम बोल रहे हैं डिसअलाइनमेंट। तो फ्रैक्चर्ड ऑफ हिप वाले पेशेंट में डिसअलाइनमेंट देखने को मिलेगा, ना कि पेन देखने को मिला। पेन देखने को मिलेगा लेकिन पेन जो है वो एक स्पेसिफिक फ्रैक्चर नहीं है, क्योंकि पेन जो है वो हर फ्रैक्चर में देखने को मिलता है। कूल एक्सट्रीमिटीज़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कूल एक्सट्रीमिटीज़ मेनली पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेज में देखने को मिलती है, और एब्सेंस ऑफ पैडल पल्स जो है ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम में देखने को मिलता है, ना कि हिप फ्रैक्चर वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। इसलिए डिसअलाइनमेंट जो है वो हिप फ्रैक्चर वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, और ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द नर्स नो दैट द 60-year-old फीमेल क्लाइंट ससेप्टिबिलिटी टू ऑस्टियोपोरोसिस इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू, यानी कि एक पेशेंट है 60 साल का, उसमें फीमेल पेशेंट है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने की मोस्ट लाइकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस रीजन से पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, लगभग 60 ईयर की फीमेल की यहाँ पे बात की जाए तो। फर्स्ट ऑप्शन आप तो दिया गया है लैक ऑफ एक्सरसाइज, दूसरा हार्मोनल डिस्टर्बेंस, तीसरा लैक ऑफ कैल्शियम, और जेनेटिक प्रीडिस्पोजन। देखिए अगर पेशेंट लैक ऑफ एक्सरसाइज है तो भी, और लैक ऑफ कैल्शियम है, यानी कि अगर पेशेंट में एक्सरसाइज की कमी है और पेशेंट में अगर कैल्शियम की कमी है, तो वहाँ पे भी ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जो बॉडी की जो बोन है उसकी बोन की जो मिनरल डेंसिटी BMD बोन मिनरल डेंसिटी, यानी कि बोन की जो वीकनेस है वो बढ़ जाएगी, बोन फ्रेजाइल हो जाएगी। फ्रेजाइल हो जाएगी मतलब कि वीक हो जाएगी, वीक हो जाएगी मतलब बोन के टूटने के चांसेज हैं, फ्रैक्चर के चांसेज यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस में भी क्या होता है कि बोन के जो मिनरल्स हैं वो कम हो जाते हैं और बोन वीक हो जाती है, बोन फ्रेजाइल हो जाती है, और ये लगभग ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन उसमें भी अगर बात की जाए तो फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस वाले केसेस में ही ऐसा क्यों होता है, कि इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ऑस्टियोपोरोसिस का क्या है। लैक ऑफ एक्सरसाइज और लैक ऑफ कैल्शियम ये दोनों ही ऑस्टियोपोरोसिस के रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अगर मोस्ट लाइकली आंसर की बात की जाए तो मोस्ट लाइकली आंसर जो है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज की वजह से होता है। इसलिए ऑप्शन ए आपका नहीं होगा, क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है, लैक ऑफ कैल्शियम की वजह से पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली कोजेज में लैक ऑफ कैल्शियम और लैक ऑफ एक्सरसाइज को काउंट नहीं किया जाता है। मोस्ट लाइकली कोजेज में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज को काउंट किया जाता है, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस ओल्ड एज में हो जाते हैं, वो फीमेल क्लाइंट्स में हो जाते हैं, क्योंकि मेनोपॉज की वजह से भी पेशेंट में हार्मोनल इम्बैलेंसेज होते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस जब होगा या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज होंगे तो पेशेंट में कैल्शियम के रेगुलेशन का डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और कैल्शियम का रेगुलेशन का डिस्टर्बेंस होगा तो बोन वीक हो जाएगी, बोन वीक हो जाएगी तो पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है, कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है इसकी कमी हो जाएगी ओल्ड एज में, और जब कैल्सिटोनिन हार्मोन की कमी है तो इसका मतलब है कि बोन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और कैल्शियम की अगर कमी हो जाएगी तो बोन वीक हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज देखने को मिलता है, और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज की वजह से पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया जेनेटिक प्रीडिस्पोजन, जेनेटिक प्रीडिस्पोजन से ऑस्टियोपोरोसिस का कोई लिंक नहीं है, इसलिए यहाँ पे हार्मोनल डिस्टर्बेंस इज द मोस्ट लाइकली कोज या मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस इज द हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज। लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड लैक ऑफ कैल्शियम कैन ऑल्सो कोज द ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ द बोन, बट मोस्ट लाइकली कोज इज द हार्मोनल डिस्टर्बेंस। इसलिए बी आंसर जो है आपका, और बी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर एन ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन ऑफ ए फ्रैक्चर्ड हिप, यानी कि एक पेशेंट आपके पास में एडमिट है, पेशेंट का फ्रैक्चर्ड हिप हो रखा है, ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन और इफ का ये सर्जरी पेशेंट का होना है। इमीडिएटली फॉलोइंग सर्जरी द नर्स शुड गिव प्रायोरिटी टू असेसिंग द क्लाइंट फॉर, सर्जरी होने के जस्ट बाद में नर्स इनमें से सबसे प्रायोरिटी बेसिस में सबसे पहले पेशेंट का क्या चेक करेगी। फर्स्ट ऑप्शन हाइपोवोलेमिया, पेन, न्यूट्रिशनल स्टेटस और इमोबिलाइजर। देखिए ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन जो है ये एक सर्जरी होती है, इसमें क्या करते हैं कि जो भी कहाँ की जहाँ की बोन ब्रेक हो चुकी है, जहाँ का फ्रैक्चर है, वहाँ पे हम इंसीजन लगाते हैं, बोन तक अप्रोच करते हैं, बोन को अप्रोच करने के बाद में बोन को एक अलाइनमेंट में सेट करते हैं, अलाइनमेंट में सेट करने के बाद में उसमें
अगर बोन ब्रेक हो गई है तो उसको इंटरनली फिक्सेटर यानी कि पिन्स और स्क्रू की हेल्प से, पिन और स्क्रू की हेल्प से हम बोन को फिक्स करते हैं। इंटरनल फिक्सेटर यानी कि हम उसके अंदर फिक्स करने के लिए पिन और स्क्रू का यूज़ करते हुए बोन को एक जगह पे फिक्स कर देते हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पे हमने पहले तो सर्जिकल साइट को ओपन किया, बोन को रिडक्शन किया, वहाँ पे इंटरनल फिक्सेशन किया यानी कि स्क्रू और पिन्स को फिक्स किया। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है और यहाँ पे पेशेंट में ब्लीडिंग होने के चांसेज रहते हैं, स्पेशली फ्रैक्चर्ड ऑफ हिप और पटेला में। तो यहाँ पे क्या होगा कि पेशेंट में ब्लीडिंग होने की वजह से या हिमरेज होने की वजह से हाइपोवोल्यूमिया डेवलप हो सकता है, और हाइपोवोल्यूमिया अगर पेशेंट में हो गया तो इसका मतलब है कि पेशेंट को शोक और हाइपोटेंशन डेवलप हो सकता है, और शोक इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो यहाँ पे नर्स जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे अगर असेसमेंट करेगी तो वो पेशेंट में हाइपोवोल्यूमिया की असेसमेंट करेगी, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। पेन जो है वो पेशेंट में पेन देखने को मिलेगा यहाँ पे, अगर लेकिन जो बात की जाए प्रायोरिटी की तो प्रायोरिटी में हम पेन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि फ्रैक्चर वाले पेशेंट में पेन तो हमेशा ही रहेगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत होगा। और अगर पेशेंट में सर्जरी हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया है, और एनेस्थीसिया दिया गया है तो हो सकता है कि पेशेंट को पेन का फील भी नहीं हो, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। न्यूट्रिशनल स्टेटस, हम पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को पता करेंगे लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी ही हम, ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है जिसको कि हम प्रायोरिटी बेसिस में लेंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपका गलत होगा। इमोबिलाइजर, हम इमोबिलाइजर का यूज़ भी नहीं करेंगे, ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपका गलत होगा। इमोबिलाइजर का यूज़ यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले ही पेशेंट में इंटरनल फिक्सेटर लगा चुके हैं जो कि बोन को एक जगह पे फिक्स कर देंगे, अगर पेशेंट बोन को मूव भी करेगा तो भी बोन बिल्कुल हिलेगी नहीं, उसको इमोबिलाइज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन सर्जरी अगर फ्रैक्चर्ड हिप की गई है तो नर्स जो है वो अगर पेशेंट का प्रायोरिटी बेसिस असेसमेंट करेगी तो वो सबसे पहले पेशेंट में हाइपोवोल्यूमिया को चेक करेगी, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो आपका ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेटमेंट मेड बाय द फैमिली मेम्बर केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद ए परकुटेनियस गैस्ट्रोटोमी ट्यूब इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्सेस टीचिंग। यानी कि एक पेशेंट आपके पास में एडमिट है, उसके फैमिली मेम्बर पेशेंट का केयर कर रहे हैं और उस पेशेंट को परकुटेनियस गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है, परकुटेनियस गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब यानी कि कोई भी ऐसा पेशेंट जो स्वेलोइंग करने में, जिसको निगलने में डिफ़िकल्टी होती है, हम उस पेशेंट को खाना देने के लिए परकुटेनियस गैस्ट्रोटोमी ट्यूब देते हैं यानी कि डायरेक्ट गैस्ट्रिक में एक ओपनिंग करके वहाँ से एक ट्यूब इंसर्ट करा देते हैं ताकि जो भी पेशेंट को देना है वो हम डायरेक्टली उस ट्यूब के थ्रू पेशेंट के गैस्ट्रिक कंटेंट में, गैस्ट्रिक में या स्टोमक में दे सकें। तो इनमें से पेशेंट से पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसको गैस्ट्रोटोमी ट्यूब लगी हुई है, इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बता रहा है कि जो नर्स ने जो समझाया है वो पेशेंट के रिलेटिव जो है वो, फैमिली मेम्बर जो है वो समझ चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है, आई मस्ट फ्लश द ट्यूब विद वाटर आफ्टर फीडिंग एंड क्लैंप द ट्यूब, यानी कि जब गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब से मैं पेशेंट को खाना खिला रहा हूँ, उसका फैमिली मेम्बर बता रहा है कि जब मैं पेशेंट को गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब से खाना खिला रहा हूँ तो मैं उस ट्यूब को फ्लश करूँगा वाटर के साथ में आफ्टर फीडिंग एंड क्लैंप द, जब पेशेंट को खाना खिलाने के बाद मैं उस ट्यूब को पानी से फ्लश करूँगा और उसके बाद में ट्यूब को क्लैंप कर दूँगा, क्या ये आंसर सही है, क्या ऐसा करना चाहिए, ये आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन है, आई मस्ट चेक प्लेसमेंट 4 times per day, मैं उस ट्यूब का प्लेसमेंट दिन में 4 बार ही चेक करूँगा, क्या ये ऑप्शन सही है, नहीं, 4 बार प्लेसमेंट चेक करने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। दूसरा है, आई विल रिपोर्ट टू द डॉक्टर एनी साइन ऑफ इंडाइजेशन। देखिए इंडाइजेशन का अगर कोई भी साइन है तो वो डॉक्टर को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंडाइजेशन जो है वो एक नॉर्मल पेशेंट में भी या नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल कैंडिडेट या नॉर्मल लोग को भी, किसी को भी इंडाइजेशन हो सकता है, अगर इंडाइजेशन का कोई भी साइन है तो उसको डॉक्टर को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंडाइजेशन जो है वो किसी को भी हो सकता है, इवन डॉक्टर को भी हो सकता है, ये पेशेंट की ही यहाँ पे बात नहीं की जा रही, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपका गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, इफ़ माई फादर इज़ अनेबल टू स्वेलो आई विल डिसकंटिन्यू द फीडिंग एंड कॉल द क्लिनिक, अगर मेरे पिता स्वेलोइंग करने में डिफ़िकल्ट है या अनेबल है तो मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा इस फीडिंग ट्यूब को और क्लिनिक में जाऊंगा या क्लिनिक को कॉल करूंगा, ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपको गलत होगा, क्योंकि जो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब फीडिंग है या जो परकुटेनियस गैस्ट्रोटोमी ट्यूब जो है वो लगाई ही इसीलिए गई है कि पेशेंट को स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी है, और अगर अभी भी डिफ़िकल्टी है तो इसका मतलब है कि अगर स्वेलो करने में अभी भी डिफ़िकल्टी है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब को या गैस्ट्रोटोमी ट्यूब को वहीं पर रखना है, रिमूव नहीं करना है, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपका गलत होगा और ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जब भी पेशेंट या पेशेंट का मेंबर या फैमिली मेंबर जो है वो पेशेंट को गैस्ट्रोटोमी ट्यूब से फीडिंग करा रहा है तो उसका फीडिंग कराने के बाद में उस ट्यूब को फ्लश करेगा वाटर से
और उस ट्यूब को बाहर की साइड से क्लैंप कर देगा ताकि जो एयर है वो अंदर नहीं जा पाए, और फ्लश इसलिए कर रहे हैं वाटर से ताकि जो ट्यूब जो है वो बंद नहीं हो पाए या उसमें कुछ भी कंटेंट रह जाने की वजह से क्लोग्ड नहीं हो पाए। इसलिए ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट विद अ टोटल नी रिप्लेसमेंट 2 hours पोस्ट ऑपरेटिव, विच इन्फॉर्मेशन रिक्वायर नोटिफिकेशन ऑफ द डॉक्टर। यानी कि कोई भी एक पेशेंट है जिसका अभी टी के आर टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अभी 2 घंटे पहले हुआ है, अभी पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव है यानी कि 2 घंटे बाद में आपके पास में है, विच इन्फॉर्मेशन रिक्वायर नोटिफिकेशन ऑफ द डॉक्टर। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, तो इनमें से क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है ये आपको यहाँ पे बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, ब्लीडिंग ऑन द ड्रेसिंग इज 2 centimeter इन डायमीटर। ड्रेसिंग यहाँ पे कहाँ पे लगाई गई है, नी वाले एरिया में लगाई गई है क्योंकि टोटल नी रिप्लेसमेंट यहाँ पे किया गया है। अगर ब्लीडिंग वाले ड्रेसिंग यहाँ पे जो है वो अगर 2 centimeter से ज़्यादा है, यानी कि जो आपने मान लीजिए ये नी है और यहाँ पे 2 centimeter से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग है राउंड शेप में या किसी भी शेप में या किसी भी साइज में जो ब्लीडिंग है वो अगर 2 centimeter से ज़्यादा है या 2 centimeter है तो क्या इस चीज़ को डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। दूसरा दिया गया है, द क्लाइंट हैज़ ए लो ग्रेड टेम्परेचर। अगर पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा 98.6 से ज़्यादा है लेकिन लो ग्रेड है यानी कि 100 degree तक है तो क्या इस चीज़ को हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। तीसरा ऑप्शन है, द क्लाइंट्स हीमोग्लोबिन इज 6 gram per dL। पेशेंट का हीमोग्लोबिन अगर 6 gram per dL है जो नॉर्मली 12 से 14 और 15 ग्राम पर डीएल होता है ये है, अगर 6 ग्राम है तो हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। और लास्ट ऑप्शन है, द क्लाइंट वॉइड्स आफ्टर सर्जरी। अगर पेशेंट 2 घंटे के बाद में बाथरूम करने जा रहा है या सर्जरी कर रहा है, वो सर्जरी के बाद में अगर 2 घंटे बाद में वॉशरूम पास आउट कर रहा है या यूरिन पास आउट कर रहा है तो क्या इस चीज़ को हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। तो इनमें से जो गलत है उस चीज़ को इन्फॉर्म करना है हमें। देखिए, अगर ड्रेसिंग साइट जो है आपकी वहाँ पे ब्लीडिंग अगर 2 centimeter की है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल ब्लीडिंग है, इसको हम डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि TKR या टोटल नी रिप्लेसमेंट जो है वहाँ पे पेशेंट में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, और अगर ड्रेसिंग वाली साइट में अगर पेशेंट के 2 centimeter की ब्लीडिंग है तो 2 centimeter की ब्लीडिंग ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है, इसलिए इसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड ब्लीडिंग है और इस ब्लीडिंग को हम राउंड कर देंगे यानी कि निशान लगा देंगे कि हाँ 2 घंटे बाद तक इतनी ब्लीडिंग थी। अब अगर ये ब्लीडिंग इससे ज़्यादा बढ़ रही है तो हम इस चीज़ को डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, 2 centimeter तक की ब्लीडिंग को हम डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। दूसरा दिया गया है, द क्लाइंट हैज़ ए लो ग्रेड टेम्परेचर। अगर पेशेंट का टेम्परेचर लो ग्रेड यानी कि 98.6 से 100 degree फारेनहाइट के बीच में है तो हम इसको डॉक्टर को इन्फॉर्म यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि अगर पेशेंट का टेम्परेचर 101 degree फारेनहाइट से ज़्यादा है तो हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो लो ग्रेड टेम्परेचर वो पेशेंट में डिहाइड्रेशन या सर्जरी की वजह से जो फ्लूड और ब्लड का लॉस हुआ है उसकी वजह से पेशेंट में टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस है ऑपरेशन के बाद में, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। तीसरा आपको दिया गया था, क्लाइंट्स हीमोग्लोबिन इज 6 gram per dL। अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन 6 gram per dL है यानी कि जो नॉर्मल होना चाहिए 12 से 15 gram per dL वो अगर 6 gram per dL है इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग या हीमोरेज या ब्लीडिंग हो रही है, इस वजह से पेशेंट को एनीमिया हो गया है यानी कि इसीलिए पेशेंट में 6 gram per dL हीमोग्लोबिन का लेवल रह गया है, तो ये चीज़ हम पेशेंट की डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे क्योंकि इसलिए इसी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा क्योंकि जब पेशेंट में ब्लीडिंग या हीमोरेज देखने को मिल रहा है तो पेशेंट का हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा और पेशेंट का हीमोग्लोबिन का लेवल जब कम होगा तो इस चीज़ को हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। लास्ट ऑप्शन था क्लाइंट वॉइड आफ्टर सर्जरी। अगर पेशेंट सर्जरी के 2 घंटे बाद में वॉशरूम कर रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस या फ्लूड का स्टेटस अच्छा है, पेशेंट का एनेस्थीसिया का इफेक्ट वो खत्म हो चुका है इसलिए पेशेंट अभी यूरिन आउटपुट या यूरिन पास आउट करने की सेंसेशन फील कर पा रहा है, यूरिन पास आउट हो रहा है या यूरिन बन रहा है, किस लिए बन रहा है क्योंकि पेशेंट का फ्लूड जो है वो ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, पेशेंट में फ्लूड की पूर्ति हो चुकी है या पेशेंट को फ्लूड बराबर चल रहा है इसलिए पेशेंट अभी यूरिन पास आउट कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। तो जब भी पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा तो हम पेशेंट इस चीज़ को डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक क्लाइंट विद टोटल हिप रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड स्पेशल इक्विपमेंट्स। कोई भी एक पेशेंट है जिसका टोटल हिप रिप्लेसमेंट होना है उसको स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत है उसकी सर्जरी के लिए, विच इक्विपमेंट वुड असिस्ट द क्लाइंट विद ए टोटल हिप रिप्लेसमेंट विद प्रिवेंशन ऑफ डिसलोकेशन ऑफ द प्रोस्थेसिस। यानी कि
पेशेंट का टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है और वहाँ पे हमने प्रोस्थेसिस लगाया है, तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या इनमें से कौन सा इक्विपमेंट है इन चार ऑप्शन में से जो पेशेंट के टोटल हिप रिप्लेसमेंट में डिसलोकेशन को प्रिवेंट करेगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है एन एबडक्शन पिलो, एक एबडक्शन पिलो, दूसरा स्ट्रेट चेयर, तीसरा पेयर ऑफ क्रचेज और चौथा ए सॉफ्ट मैट्रस। देखिए टोटल हिप रिप्लेसमेंट है वो कब किया जाएगा, जब पेशेंट का हिप का फ्रैक्चर हो चुका होगा। तो जब फ्रैक्चर वाला कोई भी पेशेंट होता है तो उसको हम एक हार्ड प्लेट या हार्ड मैट्रेस देते हैं, ना कि सॉफ्ट मैट्रेस देते हैं, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। सॉफ्ट मैट्रेस किसी भी फ्रैक्चर वाले पेशेंट को नहीं दिया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि हम जब भी किसी पेशेंट को फ्रैक्चर होता है उसको हार्ड सरफेस पे या एक टाइट सरफेस पे लिटाते हैं, इसलिए सॉफ्ट मैट्रेस यहाँ पे गलत होगा। दूसरा दिया गया है पेयर ऑफ क्रचेज, फ्रैक्चर वाले पेशेंट को हम कभी भी क्रच देने के लिए नहीं देते, क्रच यूज करने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि इससे पेशेंट में डिसलोकेशन हो सकता है और पेशेंट को चलने में परेशानी भी आएगी, क्योंकि इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। क्रचेज नहीं दे करके हम पेशेंट को वॉकर दे सकते हैं, वॉकर के चलने में और क्रचेज के यूज करके चलने में दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, इसलिए हम पेशेंट को वॉकर प्रेफर करेंगे, क्रचेज प्रेफर नहीं करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही गलत होगा आपका। और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया ये स्ट्रेट चेयर, एक स्ट्रेट चेयर जो है, स्ट्रेट चेयर का मतलब हो गया ऐसे, ये पेशेंट का बैक लगाने वाला एरिया है, ये बैठने वाला एरिया है और ये नीचे पैर लटकाने वाला एरिया है, तो इसको हम स्ट्रेट चेयर बोल रहे हैं। तो जब भी किसी पेशेंट का हिप का फ्रैक्चर हुआ है या टोटल हिप रिप्लेसमेंट में प्रोस्थेसिस लगाया गया है, तो हम उस पेशेंट को नी और हिप्स, हिप वाले एरिया को, अब पेशेंट यहाँ पे बैठेगा तो ऐसे ही तो बैठेगा, तो ये जो हिप वाला एरिया है इसको फ्लेक्स करने के लिए मना करते हैं, तो फ्लेक्स हिप वाले एरिया को फ्लेक्स नहीं करेंगे, और अगर फ्लेक्स नहीं करना है तो हम पेशेंट को स्ट्रेट चेयर भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर पेशेंट को हम स्ट्रेट चेयर दे देंगे तो पेशेंट उस पर बैठेगा तो पेशेंट का जो नी वाला एरिया है वो फ्लेक्स होगा, और अगर फ्लेक्स होगा तो उसमें जो प्रोस्थेसिस हमने जो लगाया है उसका डिसलोकेशन होने के चांसेज रहेंगे, इसलिए हम पेशेंट को स्ट्रेट चेयर भी नहीं देंगे। बचा ऑप्शन आपके पास में ए, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जब पेशेंट को हम एबडक्शन पिलो की बात की जा रही है, इसका मतलब है कि हम पेशेंट में जिसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया गया है उस पेशेंट के दोनों पैरों को साथ साथ में ला करके नहीं रखते हैं, यानी कि जिसमें भी डिसलोकेशन या जिसमें प्रोस्थेसिस का यूज़ किया गया है उस पेशेंट में उसके नॉर्मल पैर के बीच में हम एक पिल्लो रखेंगे, उसको हम एबडक्शन पिल्लो बोलते हैं। उस पिल्लो का पर्पज़ क्या होता है कि वो दोनों पैरों को पास पास में नहीं आने देता है, और अगर दोनों पैर पास में नहीं आएंगे तो जो प्रोस्थेसिस है वो फ्रैक्चर वाले पेशेंट में, हिप फ्रैक्चर वाले पेशेंट में डिसलोकेट नहीं होगा, और डिसलोकेट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हमारी सर्जरी सक्सेसफुल रहेगी, पेशेंट पोस्ट रिकवरी या पोस्ट सर्जिकल वायद में भी ठीक रहेगा और डिसलोकेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए टोटल हिप रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट में हम एक एबडक्शन पिलो का यूज़ करते हैं, वो एबडक्शन पिलो फ्रैक्चर वाले पेशेंट के दोनों पैरों को दूर करके रखता है। दोनों पैरों से मतलब यहाँ पे हमारा मेनली फ्रैक्चर वाले पेशेंट से है, जो पेशेंट का जो फ्रैक्चर्ड वाला पार्ट है टोटल हिप रिप्लेसमेंट, जो फ्रैक्चर्ड हिप है वो वाला पैर पेशेंट का नॉर्मल पैर से दूर रहेगा, और ये एबडक्शन का काम करेगा, यानी कि पेशेंट के दोनों पैरों को पास पास में नहीं लाना है, दोनों को दूर दूर रखना है, इससे पेशेंट में डिसलोकेशन प्रोसेसिस का नहीं होगा, इसलिए ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द क्लाइंट विद ए जॉइंट रिप्लेसमेंट इज शेड्यूल्ड टू रिसीव लोवेनेक्स एनोक्सापेरिन, विच लैब वैल्यू शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर। कोई भी एक पेशेंट है उसको एनोक्सापेरिन चल रहा है, जॉइंट रिप्लेसमेंट वाला पेशेंट है, इनमें से कौन सी लैब वैल्यू है वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करनी है, यानी कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल है, तो इनमें से कौन सी लैब वैल्यू एबनॉर्मल है ये आपको डॉक्टर को बताना है। तो ये ऑप्शन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है, आप इसमें हमें ऑप्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में इसी क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।